दोस्तों लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं आपको पटना में बन रहे सब वे का और मल्टी मॉडल हब जो पार्किंग बन रहा है उसका, ये ट्रांसपोर्ट हब है तो देख सकते हैं आप इसका वर्क बहुत स्पीड हो गया है पहले से। अभी एक महीना पहले अपडेट दिया था तो एक ही फ्लोर हुआ था लेकिन बहुत काम खिंचा गया, उससे ज़्यादा जो है कि इस बीच बीच में ब्रिज के नीचे जो है कि घेरने का जो कार्य था वो लगभग कम्प्लीट हो गया एक ही महीना में। तो देखिए आपकी कितना काम हो चुका है और आगे का भी जो एक सबवे था 100 मीटर का वो कंप्लीट कर लिया गया था। चलिए मैं नीचे से दिखाता हूँ, कुछ इस तरफ का भी मैं कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि बड़ा स्पीड वर्क चल रहा है इसका। अब पहले से फर्स्ट वर्क जो है कि ये जो ब्रिज के नीचे जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये वाला बैरियर, तो इसका वर्क हुआ है जो कि पूरे GPO से लेकर के पूरा जो है कि पटना जंक्शन को घेर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए मल्टी मॉडल पार्किंग हब का कार्य बहुत स्पीड हो चुका है, जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे बढ़ के। देख रहे हैं ये पटना सबवे का अपर वाला भाग है जिसका कि वर्क काफ़ी दिनों से हुआ हुआ है, जो कि लाल कंस्ट्रक्शन बना रही है। इस साइड अंडरग्राउंड वाला भाग है, ये अंडरग्राउंड का वर्क चल रहा है, आगे में काम हो गया तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का वर्क स्टेटस। फास्टेस्ट जो मैंने पटना में वर्क होते हुए देखा है तो वही यही देखा है जो ब्रिज के नीचे जो घेरा जा रहा है। देखिए आपकी घेर उड़ करके फिर पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं, सबसे फास्टेस्ट वर्क यही हुआ है। पूरे यहाँ से लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि यूँ कहूँ कि आर ब्लॉक तक है ये पूरा, और इस साइड जो है कि महावीर मंदिर तक है अभी फिलहाल, फिर आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। घेरने का काम चल रहा है यानी मस्जिद से लेकर के और मंदिर तक का कार्य अभी बाकी है, ये सब नया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दुकानें लगाते थे तो उन लोगों का दुकानें उजड़ चुका है, लेकिन बीच वाला में भी दुकान लगाते थे तो देखिए खाली कर गए। इस तरफ जो है उसका रास्ता खोल दिया गया है, मैं दिखाता हूँ जो अंडरपास होगा नीचे में सबवे, इसे भी घेर करके पेंटिंग की जाएगी, फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे छोटे छोटे। ये सबवे वाला भाग है, कभी ये खुदा हुआ करता था तो बीच में यहाँ पे सबवे का काम हो चुका है जिस पे मैं चल रहा हूँ, तो ये घिरा हुआ इसीलिए पता नहीं चल रहा है। इस तरफ से अंदर अंदर सबवे है, आगे से जोड़ दिया गया है लेकिन घिरा हुआ तो पता नहीं चल रहा है। फिर इसी तरफ से ये ठीक पटना जंक्शन के पास जा कर के निकलेगा, देखिए वहाँ पे भी ये पूरे अच्छे तरीके से घिरा हुआ है लेकिन अंदर में भी चल रहा है खोदा जा रहा है। तो मैं वीडियो बनाता लेकिन ये तो बहुत हाइट पर इसीलिए पता नहीं चल रहा है। रास्ता वन वे किया हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ियाँ इन कर रही हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से बैरिकेडिंग की हुई, मैंने चारों तरफ घूमा। चलिए मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में नए अपडेट के साथ मिलूंगा। वीडियो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक।